निदाविष्णु पलटिंट राज्य सरकार गोटेपटे 6231 जन को निजुक्ति दे किंतु अंपटे दीर्घ 38 दिन धरी धारणास्थल में धारणा दे संस्कृत शिक्षक आशायी संघ को भूलीगले तेबे से माने ओएसएसईटी एवं सीबीटी रे उत्तीर्ण होई मध्य सेमानको एपद चाकरीटिए मिललानी दीर्घ 7 वर्ष धरी सेमाने प्रतारणार शिकार होउछंती शीत काकरात्रे थर थर होई सेमाने धारणा देउछंती ते सेमाने पचारि बुझिबा सेमाने पर कोन प्रतिक्रिया देउछंती सरकार चाहिथिले आम कथा भी सुनी पारि थांते से जो कहउछन 6131 शिक्षक नियुक्ति देले आमको भी आम नियुक्ति दे पारि थांते कारण तांकर बहुत वैकेंसी रहिछि किंतु से कथा चाहिले नै से भाबिले एमन केमते अणदेखा कले बदे एमन उठि पळेबे किंतु आमे जिबु नै जेपर्यंत आम दाबी पूर्ण न होइछि आमे बसि वर्तमान आमे आम मानसिक भारसाम्य हरै सारिछु आमे कोउ मुते किछि भी करि पारु वर्तमान आमे आत्महत्या करिया पई मध्य आम स्थिर कर सारी जेहेतु सरकार आम कथा शुणिले ना के बसबू ए समाज में नारी कौ परिका असुरक्षित ये सारा ओडिशा रे माने ओडिशा डिप्यूटी भी हो नारी कौ परिका असुरक्षित अवस्था अच्छी दीर्घ 38 दिन हो गला ये तंबू तले आम नारी मैंने कौ अवस्था के कष्ट न खाई नपी आम रही आम ही केवल जाचु कितु से शिक्षामंत्री सरकार के आसले ना नवीन सरकार देखते ये फटो टी देखु नवीन सरकार मानने जो 5G स्कूल करईटार प्रहसन करने देखे स्कूल जाए बस पारे किंतु रास्ता रे दुई रात शीत काकरे पड़िलु शेष पुलिस आमको उठेबा को बाध्य होला तथापि शिक्षामंत्री दृष्टि निक्षेप हेला नहीं गोटे पटे कहते नारी को सम्मान बोली किंतु आपण माने एठारे पड़ि जाउछन्ति कोन कहि नारी को बहुत सम्मान करी से एत सम्मान करे शह शह भौणी मैंने 38 दिन है तंबू तले अच्छा कौन कह पर सम्मान आज राज्य सरकार कहले कि एत जो चाकरी मिला यह ओडिशा रे शिक्षा विभाग रे एक रेकर्ड बोली किंतु एपर्यंत आपण कथा सुनले आज्ञा सरकार जदि प्रचार सर्वस्व हेबे एवं समाज वास्तविक स्थिति को भूली जाई एवं अणदेखा करी केवल इलेक्शन को आखि आगर रखी प्रचार सर्वस्व हेबे से सरकारंकर फायदा अछि आम भली योग्य शिक्षक रातारात ये मरीगले खरा बर्षा शीतर जिते जहाँ हेल्ले सरकारंकर कौन अछि केवल इलेक्शन आड़क रखी आपत जानते मत आश्चर्य लगला सारा ओडिशा रे जिते थर शिक्षक निजुक्ति होभिया प्रहसन केवेना एगुड़ा आग को पंचायत इलेक्शन अच्छी तेणु आम 6000 शिक्षक निजुक्ति देलु इे स्कूल रते स्मार्ट स्कूल बनागला आउ किसी स्कूल अच्छी जो थे कि छात ना घर माड़ बस छपर ना से शिक्षक नहांती केवल प्रहसन कर गोटे आम कौन कलु 5G सरकार आम पांडियान महोदय मुख्यमंत्री स्कूल रे बसिक फटो नहीं स्कूल को मॉडलाइज कले एमती पुणी रंग बोलिले से बीजेडी रो कलर स्पष्ट भाव में बारी होटी स्कूल रो रंग अलग प्रकार बीजेडी रंगर कलर मड़ागला एवं आपण जाथे स्कूल रे गांधी गोपबंधु मूर्ति सब रहा आम जाचु किंतु जोड़ी विजु बाबू निजे स्कूल को भी छाड़े ना से पाने तुम मन दे पाठ पढ़ तुम भविष्य ये हम से फटो लगी एवं सी प्रचार करिवारे लागिछंती एतरो आम जानी पारुथिबे जदि आपण शिक्षक दियंती आपण कनिष्ठ शिक्षक हंतु आमर हाई स्कूल रे 90,000 पाखापुखी माने आशाई शिक्षक अछंती आपण अपर्याप्त बीए ट्रेनिंग पिला को करउछंती खुलछंती ओस्टेट करैबे तांकडु पैसा लुटिबे सीबीटी करैबे करिबे मेंचा मेंचा नियुक्ति देला आळो को तार 5% भी माने 1% भी कहिया गले नियुक्ति लागुछि सारा भारत वर्ष रे देखि यदि शिक्षा व्यवस्था को सरकार केवल प्रचार सर्वस्व करुछंती किंतु तार वास्तविक शिक्षार परिस्थिति केवल जदि शिक्षावित मानंकु पचारिकरि गोटे सम्मेलन करन्ते शिक्षावित मानंकर परामर्श नै कोन करा जाय परबे शिक्षा पई सेही प्रकार यदि प्रयास करिकि शिक्षा क्षेत्र रे परिवर्तन करिया पई चाहन्ता शिक्षा क्षेत्र रे परिवर्तन हे परन्ता आम भलिया शिक्षक भौणी माने एते दिन राति खरा वर्षा रे एठी रोहन्ते नै सेमाने केवल तांकर जोड़ी स्वार्थपूरण एवं इलेक्शन को आखि आल रखी प्रचार सर्वस्व करी एगुड़ा सब प्रहसन चली आदि सरकार चाह था आज्ञा पर लोक कहे जा घर बाप ठीक थाए एवं सी चाहे मोर छुआ केमी भल हो मनीष हो ये जो राज्यरूपी परिवार जो बापा बोली आम जहाँ भावे मुख्यमंत्री को आमर जी उत्तरदायित्व आम दायित्व जी निर्वहन कर सी टोटाल परिवार सब फैमिली को मोर ये छुआ या मुझे दौची एपटे शिक्षक आज मोर कांदुची योग्य शिक्षक यही कथा मुख्यमंत्री कान में पहुँची पार ना
ଏଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସଚିବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଏମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପିଲା ଏଠି ମଲେ କେତେ ହଜିଲେ କେତେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ତମ୍ବୁରେ ଦୁଇ ଦିନ ରାତିରେ ରହିଲୁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଶୀତ କାକରରେ, ଆଉ କାହିଁ ବସିଛ ଏଠି, କିଛି ହେବନି, ଏମିତି କେତେ ସଂଗଠନ ଗଲେଣି ନା। ଆଉ ମାନେ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆମ କେମିତି ହକ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର କରିକି ସରକାର ତା ବାଟରେ ଶୋଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ କରିକିରି ଦାବି ପୂରଣ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆମେ ତ ଲିଫ୍ଟ ଲେଖିଲୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ପ୍ରହସନ, ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରହସନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମରଣ ମରଣ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମରିଯିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିବୁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିଲାର ଚାକିରି ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଘରକୁ ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବୁ, ସେଥିରେ ଆମ ବାପା ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ମରିଯିବେ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ଆମେ ଏଇଠି ମରିଗଲେ, ହୁଏତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏଠି ଲୋକବାକ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଘ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ରାସ୍ତାରେ ମରିଗଲା, ସେଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ହେବ। ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଛରେ ହଉ ପଛରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଗୋଟେ ସଂଘ ମରିଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇ ଆଶାରେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ 6,231 ଜଣ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରହସନ ଅଟେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଆଗକୁ ଏହି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଗଲା କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।